हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट इंडियन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उत्तराखंड हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी की तरफ से हेड कांस्टेबल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 272 निकाली गई है। इसके एग्जाम डेट्स आपके क्या रहेंगे वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसकी डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि 3 जनवरी 2022 को जारी की गई है। इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 10 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2022 रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 23/2/2022 इसका जो लास्ट डेट है वो रखा गया है। अगर इसके एग्जाम डेट की हम लोग बात करें तो उसका जो लिखित परीक्षा होगा वो जुलाई के मंथ में हो सकता है, जुलाई 2022 में इसका एग्जाम हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके पीएचटी, पीटी और रिटन टेस्ट के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न की, कौन कौन से पेपर यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक रहेंगे तो आप देख सकते हो, जनरल इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी रहेगा, इंडियन कल्चर से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछी जाएगी जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके रहेंगे। अगर जनरल स्टडी की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडी में आपके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड उत्तराखंड, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, उसके बाद कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड, इससे क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन प्रैक्टिकलिटी। अगर यहाँ पे जनरल हिंदी की सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन रहेगा, संधिया, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकतिया एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक वाइज सिलेबस रहेंगे हेड कांस्टेबल के लिए। इसमें आपके जनरल स्टडी, जनरल जो आपके नॉलेज है वो आपसे पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी, इससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय आपको इस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। इसमें आपके निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 जो आपके नंबर है वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपसे जो है वो 12वीं मांगा गया। अगर आपने 12th किया हुआ है भौतिकी विज्ञान या फिर गणित तथा इंग्लिश से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे एक और कंडीशन रखा गया है कि जो आपकी 12th है वो उत्तराखंड के राज्य से ही स्थित मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी 12th जो है वो यहाँ पे फिजिक्स, मैथ या फिर इंग्लिश से होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही जो आपकी 12th है वो उत्तराखंड राज्य से होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी डिप्लोमा जो है वो भी उत्तराखंड राज्य से ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर वैकेंसी डिटेल की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए टोटल 272 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपको सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपको सैलरी मिलेगी। जो आपके यहाँ पे एज लिमिट है वो 18 से 22 साल रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट आपके 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल रखी गई है। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगी तो आप देख सकते हो, सामान्य, अन्य, पिछला वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे हाइट बताई गई है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 147.0 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट, उनको 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर यहाँ पे वजन की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 केजी यानी कि 45 केजी जो इनकी वजन है वो होनी चाहिए।
मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीना आपको बताया गया, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। उत्तराखंड के राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र के और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिना फुलाए 76.3 और फुला करके 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी, आप फ्री में इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।